टाटा ने जब 2008 में JLR को एक्वायर किया तब से इंतजार शुरू हुआ एक लैंड रोवर बेस्ड टाटा SUV का। सपना साकार हुआ टाटा हैरियर के साथ। हैरियर बेस्ड है लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म से डिराइव्ड ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर। डिस्कवरी स्पोर्ट, फोर्ड मोंडियो, वॉल्वो S80 इस प्लेटफॉर्म पर काफी कार्स बनी है। D8 प्लेटफॉर्म हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम से बनाया पर कॉस्ट कम रखने के लिए हैरियर में स्टील का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है और प्लेटफॉर्म शेयरिंग से हैरियर में लैंड रोवर का ऑफ रोडिंग DNA भी आ गया। स्लोपिंग रूफ, सी पिलर, व्हील आर्चेस, हैरियर के डिजाइन में आपको JLR की झलकियां मिल ही जाएंगी। फ्रंट सस्पेंशन सीधा डिस्कवरी से उठाया और रियर सस्पेंशन ट्यून किया लोटस ने। हैरियर में आपको JLR का एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टेरन रिस्पॉन्स सिस्टम भी मिलेगा। कहानी में ट्विस्ट यह है कि JLR का D8 प्लेटफॉर्म फोर्ड के EUCD प्लेटफॉर्म से डिराइव्ड है। 2008 में घाटे की वजह से फोर्ड ने JLR को टाटा को बेच दिया और आज टाटा उसके R&D को आगे बढ़ा रहा है। माना कि हैरियर लैंड रोवर के लेवल की नहीं है पर काफी क्लोज आती है, वो भी एक तिहाई प्राइस में। हैरियर हेक्टर XUV 700 या कुछ और आपकी पसंद क्या है? ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।